अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके आप अडोब फोटोशॉप में फिल्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता जाऊँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। दोस्तों, ये अडोब फोटोशॉप मैंने ओपन कर रखा है। अब मैं इसमें ये वाली तस्वीर है जो दोस्तों, आज हम इस तस्वीर में फिल्टर यूज करके देखेंगे। फिल्टर के इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम पूरी तस्वीर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सब पे सिर्फ क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं रेक्टेंगल में आगे तस्वीर, इस सब पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास एक दूसरा है कि आप किसी एक सिलेक्टेड एरिया को कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट पे पहले हम ऐसे करेंगे कि इसी पे हम करते हैं, फिल्टर पे गए। और दोस्तों, अगर मैं फिल्टर की बात करता जाऊं तो ये बहुत से फिल्टर हैं। आप शार्ट की जो है यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी। और दोस्तों, अगर ये देखें मैं फिल्टर की बात करूं और एक एक चीज़ पे बात करूं तो आप ऐसे समझें कि थक जाएंगे, क्योंकि ये देखें कि एक ये फिल्टर है और उसके अंदर कितने फिल्टर हैं ये देखें, आप देखें। और यहाँ पे लास्ट वाला है, वाटरमार्क टाइप है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये वाटर मार्क नहीं बनाना, हमने फिल्टर यूज़ करना था। और दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये है कि हम इस पे ये वाला फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। तो आप देखिए ये तस्वीर हमने इतनी कैसी कर दी हमारी, ये फिल्टर्स हैं। और यहाँ पे हम तस्वीर को जितना चाहें बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये फिल्टर का साइज है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी यही है, फिल्टर के कलर्स वगैरह हैं। और यहाँ पे भी यही चीज़ है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अब सिलेक्टेड की बात करेंगे कि हमने सिर्फ इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसी पे हम फिल्टर की काम करेंगे। तो हमारे पास ये है और हमने इस पे ये क्लिक किया, सॉरी, ये फिल्टर है, हमने इस पे ये क्लिक किया तो ये वाला कुछ ऐसे हो गया। और ये देखें, इसका हम साइज बढ़ा सकते हैं इसको, ये देखें। और यहाँ पे भी हम इसके डिज़ाइन फिल्ट्रेशन को हम ग्राफिक्स में यही कुछ इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बहुत से फिल्टर हैं, मैं आपको एक एक भी नहीं बता सकता। तो आप ऐसे करें कि देखें इसमें ये है, ये देखें, ये और तरीके से फिल्टर है, आप इनको इसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। दोस्तों, अगर मैं आपको फिल्टर बनाने के लिए यहाँ बैठ जाऊँ तो एक एक फिल्टर पर मैं अगर करेक्ट काम करूँ तो बहुत सारी लंबी वीडियोस बन जाएगी और बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे फिल्टर है जो इस्तेमाल सकते हैं, कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।